मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सुबह का टाइम है, अभी टाइम यही 7:30 बज रहा था। यहाँ पर मैं बना रही थी सभी के लिए नाश्ता, तो सुबह उठकर ही हम लोग ग्राउंड चले गए थे। आज बच्चे नहीं गए थे तो हम लोग दोनों ही गए हैं। जब तक बच्चों का स्कूल बंद है ना, तब तक कोशिश रहती है कि रोज़ चले जाएँ। स्कूल ओपन हो जाएगा ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम में नहीं मिल पाता है। और अभी गर्मियों का टाइम है ना, 6 बजे जाने से ना लगता है कितना धूप में आया है, तो इसीलिए सुबह सुबह ही अच्छा रहता है। तो अभी स्कूल खुल जाएगी तो फिर 6 बजे का ही टाइम मिलेगा जाने का, तो इसीलिए कोशिश है कि अभी ही चले जाएँ। तो यहाँ पर बन रहा है पोहा। मुझे किसी ने कमेंट कर, शायद मालती जी ने कमेंट कर बताया था कि आप एक बार बिना प्याज वाली पोहे बनाकर देखना। तो उनके कहने पर ही मैं आज ट्राई कर रही थी। वाकई में सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब दोनों तरीके से अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ये सब हम लोग पहले नहीं खाया करते थे, लेकिन जब से खा रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा होता है, हल्का फुल्का सा नाश्ता भी होता है, टेस्टी भी होता है, सब कुछ होता है। तो बना लेते हैं। और आज हस्बैंड जी ऑफिस नहीं गए हैं, घर में ही है, मतलब उन्हें कहीं जाना है, बाहर जाना है, घर में नहीं रहना है। तो इसीलिए सबसे पहले उधर से आकर अपना पानी पी ली हूँ, चाय भी हम लोग दोनों ही पी लिए हैं, लेकिन हस्बैंड जी को नाश्ते के साथ चाय चाहिए होता है। तो बेटे के लिए भी बन रहा है क्योंकि वो ब्रेड के साथ खाएगा, दूध ब्रेड, और थोड़ा सा चाय लेता है वो भी। मतलब चाय के ऊपर से ना मैं दूध, थोड़ा सा चाय दे देती हूँ और फिर ऊपर से दूध डाल देती हूँ, तो उस तरीके से। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, पूजा हो गई है, मैं भी अपने लिए ले रही हूँ पोहा। पहले मैं ये सब नहीं खाती थी, पहले जब वेट लॉस जर्नी चल रही थी ना, उस वक्त मैं सिर्फ फ्रूट खाया करती थी, लेकिन अब मेंटेन करके रखना है तो ये सब, इन सभी को मैं खा सकती हूँ। तो चलिए खाते हैं। मुझे एक मालती जी हैं, उन्होंने बताया था कि बिना लहसुन प्याज का भी पोहा बहुत अच्छा लगता है। तो आज गुरुवार है तो मैं बिना लहसुन प्याज का बनाई हूँ। हस्बैंड जी को तो पसंद आया, देखते हैं कैसा लगता है। चलिए पहले खा लेते हैं।
कर करें, हर चीज़ की क्वांटिटी कम ले, अधिक ना ले, सब कुछ छोड़े ना, लेकिन हाँ कम कर दे सब चीज़ की क्वांटिटी, जो भी आप खाते हो सबकी क्वांटिटी कम कर दे। यहाँ तक कि जो बोलते हैं ना कि पानी अमृत है, तो पानी भी हम अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारी किडनी को असर करती है, तो जब पानी भी असर कर सकती है तो ये सब तो खाने पीने वाली चीज़ है, ये क्यों नहीं असर करेगी। तो इसीलिए डियर थोड़ा सा समझदारी के साथ चले। तो मेरा तो खाना बन गया था, यहाँ पर बच्चे खाना बना रहे हैं तीनों लोग। बचपन में किसने किसने इस तरीके से मिट्टी वाले खिलौने में खेला है, हम लोग भी खेलते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, और मुझे लगता है सारे लोग खेले होंगे, क्योंकि लड़कियां तो भाई खेलती ही हैं, एक उम्र होता है ऐसा जबकि ये सारे चीज़ खेले जाते हैं। और मिर्ची जितनी भी लगी हुई है ना, ये लोग तीनों बस काटते हैं और उसी का सब्जी बना लेते हैं, और जैसे ही आँख में छूते हैं तो बस जलता है, तब समझ में आता है इन लोगों का। वैसे मेरी बेटी को देखिए, डोलची जो है खिलौना वाला पूरा भरा हुआ है, इसमें चूड़ा रखी है, चावल रखी है, आलू रखी है, देखिए मतलब मैं किचन से हटी हूँ ना, तो इतना सामान चोरी किया गया है। तो बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं। तो अब खाने का टाइम हो गया था, आज काम थोड़ा लेट लेट से हो रहा था, काम बहुत ज़्यादा था, हो जाता है जिस दिन ड्यूटी नहीं रहता है ना हस्बैंड जी का, तो उस दिन थोड़ी सी मैं अधिक साफ़ सफाई कर लिया करती हूँ, कि ऐसे टाइम नहीं मिलता है, टाइम पर खाना बनाना रहता है ना, 12 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं देखती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत किसी के घर में मैं देखती हूँ कि दाल चावल सब्जी एक ही बार बन जाता है, दिन भर का टेंशन ख़त्म, लेकिन हमारे घर में ना ऐसा रूल नहीं है। हमारे घर में ना तीनों टाइम गर्म होना चाहिए और वक्त पर बना हुआ होना चाहिए, तो जिसके कारण ना मेरा खाना बनाने में और किचन में बहुत ज़्यादा देर चला जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज चावल खाकर दिखाती हूँ कि कैसे खाते हैं। आप लोग सोचते हैं, बहुत बार आता भी है कमेंट, आता है, अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बार आता है कि चावल को किस तरीके से खाएं। तो बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है। जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना डियर, तो उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि चावल खा तो रही हूँ मैं, पता नहीं वेट लॉस हो गया या नहीं, लेकिन मेरा हो गया था। देखिए इस तरीके से सैलेड में थोड़ा सा चावल रख कर खाती थी मैं आराम से 32 बार चबा चबा कर, क्यों ना मुझे एक घंटे लग जाए, लेकिन मैं इसी तरीके से खाया करती थी। खाना पीना हो गया था, और यहाँ पर देखिए ये लोग तीनों देख रहे हैं मूवी, हॉरर मूवी, अभी बहुत ही आराम से दोनों बच्चे देख रहे हैं। जैसे ही रात होता है ना, फिर इन लोगों को देखिएगा बाथरूम तक जाने में डरते हैं। तो ये लोग देख रहे थे, और फिर मेरा भी अपना काम चल रहा था, जल्दी से मैं झाड़ू लगा रही हूँ थी, कि क्योंकि बेटे को ना कैंप जाना है, तो हमारे में ना कोई भी घर से जब जाता है ना, उसके तुरंत जस्ट बाद झाड़ू नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं पहले ही लगा लेती हूँ, कि मतलब कभी कभी देर से जाता है, कभी जल्दी से जाता है, तो उसके चक्कर में मैं बैठी हुई रह जाऊँगी और फिर देर हो जाता है, तो इसीलिए वो उसके जाने से पहले ही मैं लगा ले रही हूँ। अभी वो वेट कर रहा है, और प्लस ना आज थोड़ा सा मौसम भी लग रहा है कि कहीं बारिश होगी, मतलब कभी बादल आ रहा है जा रहा है, इस टाइप से हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो झाड़ू वगैरह लग गया था, उसके बाद आ गए थे ग्रीन टी बनाने के लिए। बहुत बार पूछते हैं कि आप ग्रीन टी में कितना चम्मच डालते हैं, तो देखिए यहाँ पर दो लोगों के लिए ग्रीन टी बन रहा है। मैं बड़े वाले कप में लेती हूँ और हस्बैंड जी छोटे वाले कप में लेते हैं, तो इसीलिए दो चम्मच, इस बॉटल का ही ये चम्मच है, तो इससे दो चम्मच भर भर कर मैं लेती हूँ। और पाँच मिनट, तीन मिनट या पाँच मिनट, इससे ज़्यादा ग्रीन टी नहीं रखना का है, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगने लगता है, फिर आप पी नहीं सकोगे, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा तीन मिनट या फिर पाँच मिनट, इतना ही रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए इन लोगों का ये खेल, मतलब बॉटल रखा ही नहीं जा रहा है। तो ग्रीन टी बन रही थी, तीन मिनट का समय था, तब तक हस्बैंड जी नींबू लेकर आए थे, और जब से मैं नींबू पानी पी रही हूँ तब से मेरे घर में ना एक खर्च बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा नींबू लाना पड़ रहा है, पता नहीं अच्छा लगता है मुझे ना धनिया मैं पीती थी ना वो सब, तो मुझे तो मतलब पीना था, अब मजबूरी में तो इंसान पीता ही है, तो मैं पी हूँ, लेकिन जब से मैं नींबू पानी पी रही हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए पर डे एक नींबू तो लग ही जाता है। सुबह मैं पानी के साथ ले लेती हूँ, गुनगुना पानी के साथ आधा, और अभी ग्रीन टी के साथ, तो
बस नींबू की बढ़ गई है थोड़ी सी खर्च, और यहाँ पर बन गई है हमारी ग्रीन टी, ले लेते हैं हम लोग दोनों। मुझे एक और कमेंट आया था कि उनका शायद सी सेक्शन हुआ है तो थायराइड भी है, तो क्या उनका वेट लॉस होगा? तो जी हाँ डियर, ज़रूर होगा। मेरा भी दोनों बच्चे सी सेक्शन से ही हुए हैं और मुझे भी थायराइड था, तो मैंने अपना वेट लॉस किया है बहुत ही सिंपल तरीके से, तो मेरे ख्याल से आपका भी होगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए, बिना डेडिकेशन के कुछ भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा तो चाहिए होगा। अब आप कुछ दिन करेंगी और सोचेंगी कि क्यों नहीं हो रहा है वेट लॉस, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो जाती है। सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है, सबका मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता है। जिसका जैसा मेटाबॉलिज्म होता है उस तरीके से उनका वेट लॉस होता है। मेरा शायद अच्छा था जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी हो गया, और अगर आपका भी अच्छा होगा तो आपका भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ करिए, बहुत ही अच्छा है। तो पी लेते हैं ग्रीन टी, और मेरी बेटी को मत पूछिए, सबका ड्राइंग बना रही थी, और ऐसा ड्राइंग बना रही थी ना कि देखकर ही डर लग रहा था। मतलब क्या मैं बोलूँ, बेटा बनाता है वो काफ़ी अच्छा बना लेता है, ड्राइंग कर लेता है। और देखिए, हम लोग ग्रीन टी पिए थे, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा ग्राउंड गया था, और उसके मतलब 5 मिनट के बाद ही ऐसा आंधी तूफान आया कि मेरा तो डर से हालत ख़राब। वैसे हम लोग अपने बच्चे को फ़ोन देकर भेजते हैं, डर सा लगा हुआ रहता है ना, तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, इतना आंधी था तो फ़ोन कैसे उठाता। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, हस्बैंड जी को भेजने वाली ही थी तब तक वो फिर कॉल किया कि हाँ हम लोग ग्राउंड में ही हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कितना डस्ट उड़ रहा है, बहुत ही अचानक से बहुत ही तेज़ आया था, लग रहा था कि बारिश बहुत तेज़ आएगी, लेकिन फिर से अचानक से धूप निकल गई थी जिसके वजह से वो फिर चला गया ग्राउंड। वो लोग तीन जाते हैं बच्चे, तीनों बच्चे चले गए, और आप देख लीजिए ऐसे आंधी तूफान में किसको डर नहीं लगेगा। और बर्फ़बाजी भी ढेर सारी हुई, बहुत सारा गिरा हुआ था आंगन में। और दूसरी एक और चीज़ की, अब भी मैं जस्ट झाड़ू लगाई थी, यार आप देख लीजिए क्या हाल हो गया है। बाथरूम भी मेरा ओपन है और आंगन भी इस तरीके का है, तो पूरा एकदम जामुन का पेड़ का जितना पत्ता था ना सब आ गया। वैसे पेड़ पौधे भी बहुत गर्मी से अजीब से हो गए थे, उनको बहुत अच्छे अच्छे वाला फ्रेश मिल गया है पानी। तो चलिए अब मुझे काम में लगना होगा क्योंकि बारिश छूट चुकी है, बहुत गंदा हो गया है। तो आप लोगों से कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। आज के लिए इतना ही, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त।